इस वक्त वो ऋषिकेश में रहते हैं, जहां पर वो लोगों को मेडिटेशन सिखाते हैं। उनका मानना है वो चक्काचौंध भरी दुनिया से दूर होना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने खुद अपने लिए शांत जीवन का चुनाव किया। उन्होंने के इंटरव्यू के दौरान कहा कि एक वक्त होता है जब आपको ये सब अच्छा लगता है कि नाम कमाया जाए, पैसे के पीछे दौड़ा जाए, पर इन सबसे अलग एक ऐसी दुनिया है जहां आत्म शांति है, भाग दौड़ नहीं है और उन्हें इसी तरह के जीवन की तलाश थी। इसी कारण वश वो सब कुछ छोड़कर ऋषिकेश आ गए। मेडिटेशन के अलावा सर्वदमन बनर्जी पंख नाम की एक एनजीओ को भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो उत्तराखंड में स्लम में रहने वाले करीब 200 बच्चों को आजीविका कमाने में मदद कर रही है। गरीबी में रहने वाले 200 बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने में सहायता कर रही है। इसके अलावा ये एनजीओ वहां की शोषित महिलाओं को आजीविका कमाने की स्किल्स सिखा रही है। ये काम वाकई सराहनीय है। जो संतुष्टि सर्वदमन बनर्जी को एक्टिंग करने में नहीं मिली होगी, वो शायद इस काम में जरूर मिल रही होगी। न्यूज अपडेट की रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।